भिलाई के कुरुद्राम में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें शनिवार को कथावाचक पंडित रुद्र कुमार शर्मा द्वारा उपस्थित जन समुदाय को गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन श्री राम कथा सहित श्री कृष्ण जन्म का वर्णन करते हुए संगीतमय प्रस्तुति दी गई, जिसे श्रवण कर भक्तजन भक्ति के सागर में गोते लगाते भाव विभोर हो उठे। स्वर्गीय श्रीमती खिलेश्वरी शुक्ला जी की स्मृति में ग्राम कुरुद वार्ड 21 में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन आयोजन में कथावाचक पंडित रुद्र कुमार शर्मा जी के श्रीमुख से संगीत में कथा सुनकर भक्तगण भाविभोर हो रहे हैं। शनिवार को इस आयोजन के दौरान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का दृश्य वर्णन किया गया। पूर्णतः संगीतमय वातावरण में भक्तगण झूम उठे एवं भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हुए मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करने लगे। पंडित रुद्र कुमार शर्मा ने न्यूज टीम को जानकारी देते हुए बताया कि आज के परिवेश में श्रीमद् भागवत कथा सुनना कितना अनिवार्य है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही मन में एकाग्रता और प्रसन्नता बनी रहती है। भागवत की कथा सुनने से मन शुद्ध होता, सारा खेला भैया मन का है। आज युवा पीढ़ी से भी हम ये कहेंगे कि गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए आप गृहस्थ आश्रम का पालन करिए, घर ना छोड़िए, घर परिवार के साथ मिल के भजन कीजिए, और नहीं 10 मिनट का भजन आपके मन को शुद्ध करेगा। और भगवान की कथा में जब आएंगे तो भगवान से प्रेम होगा, और भगवान से प्रेम होगा तो आपकी मनोस्थिति सुधरेगी। धुंधकारी जैसा प्रेत जो है यहाँ से तर सकता है, तो हम मानव का कहना क्या, बस हृदय निर्मल मन जन सोंग ही पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर स्वच्छ मन लेके हम प्रभु को जो है सेवा करेंगे, याद करेंगे, तो वो प्रभु ऐसे ही अद्भुत कृपा करते हैं। आज के अध्याय में विशेष था गजेंद्र मोक्ष की कथा थी, समुद्र मंथन, वामन चरित, रामचरित, और अंतिम विश्राम का समय आ रहा है, तो सुंदर भगवान का प्राकट्य उत्सव होगा जिसमें भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आयोजन में उपस्थित भक्त गण पूरे भक्ति भाव से कथा का श्रवण करते नजर आए और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाते नजर आए। आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को छूने की प्रक्रिया भी बखूबी देखने को मिली और इस दौरान भक्तगण मिष्ठान का वितरण करते नजर आए। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।